दिल्ली के अंदर इस वक्त एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वो विरोध प्रदर्शन क्यों चल रहा है, उसकी वजह क्या है, और आखिर इस स्तर पर इस वक्त दिल्ली के अंदर जो विरोध प्रदर्शन है इसके मायने क्या है, तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है, मगर राहुल गांधी के खिलाफ, दरअसल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कल से प्रहार करना शुरू किया। जब रफाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाएं खारिज कर दी और ये कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा बिंदु नहीं पाती जिस पर किसी तरीके से कोई जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, रिव्यू पिटीशन को देखा सुना जाए। ये तस्वीर आप देखिए, पुलिस और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस इस तरीके से उठा करके ले जा रही है। लेकिन जो दूसरा फैसला कल सुप्रीम कोर्ट का आया था कि राहुल गांधी ने जो बिना शर्त माफी मांगी थी, बिना शर्त माफी को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था और उस पर राहुल को माफी मिल गई थी। अब यही बात जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नए मुद्दे के तौर पर आई कि साहब राहुल गांधी ने गुमराह करने की जिस प्रक्रिया की शुरुआत 2014 के इलेक्शन से पहले और बहुत पहले से की थी वो पूरे तौर पर धराशायी हो चुका है और हो चुका था, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने चौकीदार चोर जैसे नारों के साथ में न सिर्फ प्रधानमंत्री को अपमानित करने की कोशिश की, उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की, और ऐसे में जनता के बीच में जाकर के राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। तो ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त जो कि आप देख रहे हैं,